Hey guys, my name is Jasu Kushwa and it's part 7 of prepositions. Before this I have uploaded 6 videos and today in this video I will teach you after, behind and before. Guys, watch this video till the end because I have given you some homework to check that you are learning properly or not. You are to do that homework in the comment section. Guys, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आज मैं आप लोगों को आफ्टर, बिहाइंड एंड बिफोर का यूज सिखाऊंगा। तो गाइस, इसको सीखने के लिए वीडियो पूरा देखना और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ यूज ऑफ आफ्टर एंड बिहाइंड, गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आफ्टर का या बिहाइंड का, दोनों का यूज हम एक ही जगह पे कर सकते हैं, चाहे आफ्टर का कर लो चाहे बिहाइंड का कर लो। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है के पीछे के बाद, जब भी लिखा होगा के पीछे या फिर के बाद, तो वहाँ पर हम लोग आफ्टर या बिहाइंड का यूज करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ राम के बाद जाना, मतलब राम चला जाए उसके बाद जाना, तो गो आफ्टर या फिर बिहाइंड राम। तो चाहे कह दो गो आफ्टर राम, चाहे कह दो गो बिहाइंड राम, दोनों में से एक यूज हो सकता है। इसके बाद में दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है, दूसरे एग्जांपल के जरिए समझते हैं। वह मेरे पीछे खड़ा था, तो ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, मेरे पीछे खड़ा था, ठीक है, तो बिहाइंड मी हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, घर के पीछे कौन था, हु वॉज देयर बिहाइंड हर हाउस या फिर हाउस। यहाँ पे अगर हम हर हटा दें तो तब भी सेंटेंस सही है, ठीक है, ये हमने अभी हटा दिया। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है उसके घर के पीछे एक स्कूल है, तो आफ्टर हिज हाउस देयर इज़ अ स्कूल या फिर देयर इज़ अ स्कूल आफ्टर हिज हाउस या फिर बिहाइंड हिज हाउस। गाइस, इसके बाद में अब मैं आप लोगों को बताता हूँ बिफोर का यूज़। तो जहाँ पर भी लिखा होगा पहले या फिर सामने, तो वहाँ पे हम लोग बिफोर का यूज करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के जरिए समझते हैं। एग्जांपल लिखा हुआ है वह तुमसे ठीक पहले आया, तो ही केम जस्ट बिफोर यू, इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, लिखा हुआ है मैं उसके सामने खड़ा था, तो आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर हिम। इसके बाद में एक और एग्जांपल समझते हैं, मैं तुमसे पहले जाऊंगा, मतलब मैं कह रहा हूं कि मैं तुमसे पहले जाऊंगा, तो आई विल गो बिफोर यू, मतलब सामने के लिए या फिर पहले के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बिफोर। अब बारी है आपके होमवर्क करने की और आपको पता ही होगा कि होमवर्क में क्या करना होता है। आपको बताना होता है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है और वो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखना। बाय बाय।